नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बल्ब क्रॉप और ऑलमोस्ट बल्ब के बाद सिर्फ कॉल क्रॉप और हमारा बचेगा और कुकरबिट्स बचेगा। उसके बाद हमारा जो है वेजिटेबल खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक या दो लेक्चर हम फ्लावर क्रॉप पर रहेंगे और एक लेक्चर हमारा रहेगा पीएचएम पर। ऑलमोस्ट आपका जो है वो जल्दी हॉर्टिकल्चर खत्म होने वाला है। इसी तरीके से सारा कोर्स हम वो जल्दी आपका कवर करवाएंगे। जो चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ आप समझ लेना, क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद यहाँ वीडियो में ना हो लेकिन वो नोट्स के अंदर है। तो आपको कैसे पढ़ना है, वीडियो से सारी चीज़ नोट डाउन करनी है, शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, फिर आपको एक बार नोट्स देखना है, पीडीएफ देखना है, और वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें छूटी है तो आपको मेंशन करना है। जैसे मैं आपको बता दूँ, गाजर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रूट क्रॉप पढ़ी थी इससे पहले। रूट क्रॉप में हमने रेडिस और क्या पढ़ा था, कैरोट गाजर पढ़ी थी, ठीक है। गाजर में दो तीन चीज़ें और, जैसे गाजर के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा, मतलब कीटों के द्वारा। और उसमें पोलिनेशन कौन सा पाया जाता है, प्रोटो एंट्री, मतलब पहले मेल आएगा बाद में। और इसके अंदर इनफ्लोरोसेंस की बात करें तो कौन सा होता है, अम्बेल, इसलिए इसका नाम क्या होता है, अम्बेलीफेरी। ये तीन चार पॉइंट रह गए थे जो लिख लेना, हालांकि ये नोट्स के अंदर रहेंगे बट फिर भी मैं बता देता हूँ, जो चीज़ें मुझे जहाँ याद आ जाएगी बता दूंगा। तो कैरोट है, लहसुन है, ओनियन है, सौंफ है, धनिया है, इन सब में क्या पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल पाया जाता है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, बल्ब क्रॉप की। बल्ब क्रॉप में आपको दो देखने को मिलेगी जो हमें पढ़ना है। एक तो हमारा क्या है, ओनियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्याज, ठीक है, प्याज कांदा। और दूसरा है हमारा गार्लिक, इसको हम बोलेंगे लहसुन, ठीक है। ये दो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, ओनियन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, प्याज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्याज का उपयोग बहुत जगह है, ठीक है। प्याज को जेब में रखने से सन स्ट्रोक नहीं होता, सन स्ट्रोक मतलब जब लू लग जाती है, मतलब हमारी बॉडी में गर्मी, मतलब कहते हैं ना कि जब हम पेशाब करने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी जलन सी फील होती है, जिसको सन स्ट्रोक बोलते हैं। लू लग जाती है ज़्यादा गर्म हवा के चपेट में आने की वजह से। तो बोला जाता है कि प्याज को अगर जेब में रखो तो सन स्ट्रोक नहीं लगता, सन स्ट्रोक के लिए यूज़फुल होता है ये, ठीक है। सन स्ट्रोक मतलब उसी को ही लू लगना है ना। तो ओनियन की सबसे पहले बात करते हैं, इसकी बॉटनिकल नेम की, बॉटनिकल नेम क्या है इसका, तो एलियम सेपा। क्या नाम है इसका, एलियम सेपा, इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। हिंदी में भी एलियम सेपा ही बोलूँगा, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी, एलियसी इसकी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसका 2n = 16 होता है। और ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या होगा इसका, उत्पत्ति स्थान क्या होगा, सेंट्रल एशिया इसका ओरिजन होगा, ठीक है। मध्य एशिया इसका क्या है, ओरिजन है। इतनी बात समझ में आ गई इसमें। इनफ्लोरोसेंस की बात करें, इनफ्लोरोसेंस मतलब पुष्पक्रम की बात करें, पुष्पक्रम, तो पुष्पक्रम इसमें भी क्या होता है, अम्बेल, क्या होता है, अम्बेल, जो कि गाजर में भी होता है, ओनियन में भी होता है, लहसुन मतलब गार्लिक में भी होता है, सौंफ में होता है, जीरा में होता है, ये सब किस में होता है, अम्बेल में होता है, ठीक है। अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पाया जाता है, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हो गई, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, इन्फ्लोरेसेंस हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के, देखो मैं आपको बताऊँ, तीन तरह के हैं। एक तो होता है लाल, रेड प्याज होता है, एक होता है सफ़ेद, वाइट प्याज होता है, और एक होता है पीला, येलो प्याज होता है। तो इसमें रेड और येलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेड और येलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझना, जो ये लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से, याद रखना, किसकी वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से, हिंदी में लिख दूँ तो एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। और पीला रंग जो होता है क्वेसर्टीन की वजह से, किसकी वजह से, क्वेसर्टीन, क्वेसर्टीन की वजह से, क्वेसर्टीन की वजह से ये पीला रंग होता है, येलो कलर होता है किसका। अब इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसमें जो मैं बताऊं, ये लाल जो है ये निर्यात के लिए बेस्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट है। लेकिन येलो जो है इसकी मांग ज़्यादा है,
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मांग ज्यादा है किसकी, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो डिमांड किसकी ज्यादा है, येलो प्याज की। जो येलो कलर का प्याज है, येलो ऑनियन है, उसकी इंटरनेशनल मांग, इंटरनेशनल डिमांड ज्यादा है, जबकि हम सबसे ज्यादा निर्यात क्या करते हैं, रेड प्याज को निर्यात करते हैं। और लीडिंग कंट्री, लीडिंग कंट्री सबसे ज्यादा निर्यात, लीडिंग कंट्री जो निर्यात करती है, लीडिंग कंट्री किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो वो है नीदरलैंड। कौन सी है, नीदरलैंड, नीदरलैंड सबसे ज्यादा प्याज का निर्यात, नीदरलैंड, या सबसे ज्यादा प्याज का जो निर्यात होता है वो नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड कंट्री सबसे ज्यादा प्याज का निर्यात वहां पर होता है। प्याज में जो है क्या पाया जाता है, प्याज रिच सोर्स होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये रिच सोर्स होता है, इसमें रिच सोर्स मतलब प्रमुख क्या पाया जाता है, प्रमुख इसमें पाया जाता है विटामिन बी, ठीक है, क्या पाया जाता है, विटामिन बी इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर है, ये बेसिक चीजें हो गई। अब एक एक चीजें और इसमें हम क्लियर करते चलेंगे कि प्याज में और क्या क्या चीजें हमें चाहिए रहती है, ठीक है। रिच सोर्स हमने देखा, पोलिनेशन कैसे होता है, पोलिनेशन टाइप क्या होता है इसमें, इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए। देखो अब इसमें पोलिनेशन की अगर हम बात करें, पोलिनेशन, पराकण, ठीक है, पराकण ये होता किसके द्वारा है, तो इसमें हनी बी के द्वारा होता है, याद रखना, किसके द्वारा, हनी बी, मधुमक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटोमोफिली, मतलब कीटों के द्वारा हो रहा है तो इंटोमोफिली बोलेंगे। टाइप कौन सा है, अब पोलिनेशन प्रकार की बात करें, पोलिनेशन परागण प्रकार की बात करें तो ये होता है हाईली क्रॉस पोलिनेटेड, याद रखना, हाईली क्रॉस पोलिनेशन, हाईली क्रॉस पोलिनेशन होता है, अति पर परागण होता है, क्यों, ड्यू टू प्रोटो एंट्री की वजह से, किसकी वजह से, फोटो एंट्री, फोटो एंट्री का मतलब क्या है, फोटो एंट्री का मतलब क्या है, फोटो एंट्री का मतलब है मेल मैच्योर फर्स्ट, ठीक है, नर जो है पहले परिपक्व होता है, मेल जो है पहले, नर जो है पहले परिपक्व होता है, तो नर अगर पहले परिपक्व हो रहा है तो उसको पेट्रो एंट्री बोलते हैं, अगर फीमेल पहले परिपक्व होती है तो उसको पोटोगाइनी बोलते हैं। क्लियर है, तो पोलिनेशन जो है वो हनी भी मतलब मधुमक्खी के द्वारा होता है, इसको इंटोमोफिली बोलते हैं क्योंकि कीट है, और पोलिनेशन प्रकार जो है वो क्रॉस पोलिनेशन है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटो एंट्री हो रही है, और पोटो एंट्री का मतलब होता है कि फीमेल पहले यहाँ पर क्या होगा, मतलब नर जो है, नर पहले यहाँ पर मेच्योर हो रहा है। क्लियर है, देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर की, इसको क्या कितना टेम्परेचर चाहिए रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर इष्टतम तापमान की बात करें तो देखो सबसे पहली चीज आती है बल्ब डेवलपमेंट, बल्ब के डेवलपमेंट के लिए, मतलब बल्ब का विकास जो है, बल्ब विकास के लिए, ठीक है, बल्ब का जो ग्रोथ है या बल्ब विकास के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो याद रखना 15 से लेके 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए बल्ब के निर्माण के लिए, ठीक है, बल्ब निर्माण के लिए। दूसरा आता है सीड फॉर्मेशन में, सीड फॉर्मेशन के टाइम, बीज बनते समय, बीज बनते समय कितना टेम्परेचर चाहिए, बीज बनते समय चाहिए 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फ्लावर इनिशिएशन के समय, फ्लावर इंडक्शन, फ्लावर इंडक्शन के समय, फ्लावर आते समय कितना चाहिए, तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस चाहिए, फ्लावर बनते समय 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी है, इसके अंदर प्याज में क्या होती है, बोल्टिंग होती है, क्या होती है, बोल्टिंग, प्याज में हमने क्या पढ़ते हैं, बोल्टिंग, प्याज में जो बोल्टिंग होती है वो किसके कारण से होती है, तो लो टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट में बोल्टिंग, कितना, लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वहां पर बोल्टिंग हो जाती है, और फ्लावर बनता है 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर पर, मतलब बोल्टिंग किससे रिलेटेड है, बोल्टिंग रिलेटेड है सीड बनने से, सीड बनने से, क्योंकि फ्लावरिंग होगी, फ्लावर के समय 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होगा तो उसमें बोल्टिंग हो जाएगी, और बोल्टिंग का मतलब होता है समय से पहले फूलों के डंठल आना, ठीक है, समय से पहले फूलों का डंठल आ जाना,
तो क्योंकि समय से पहले फूल के डंठल, मतलब समय से पहले फूल के डंठल आना, मतलब समय से पहले फ्लावर बनना, तो इस कारण से होता है। और ये सीट के लिए तो इतना यहाँ पर पूछा जाता है कि बोल्टिंग में कंफ्यूजन भी है, लो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर। तो बोल्टिंग जो होती है वो लो टेम्परेचर की वजह से, कितना लो, तो 15 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर है तो समय से पहले वहाँ पर फूलों के डंठल आ जाते हैं, इसी को बोल्टिंग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपको क्लियरली समझ में आ गया? यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पेस्टा लगा लेना कि बोल्टिंग क्या होती है। बोल्टिंग जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर एक क्या पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कवक, कवक रोधी गुण होता है इसमें, वो उसको हम क्या बोलते हैं, केटकॉल, केट कॉल इसको बोला जाता है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, केट। ऐसे कैसे गार्लिक के अंदर भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल होती है तो वहाँ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको एलिसिन बोलते हैं। कहाँ पर? गार्लिक के अंदर, लहसुन के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे और चीज़ हमें क्या देखना है, देखो अब इसके अंदर हमने देखा, अब इसके अंदर जो है दो प्रकार की ऋतुएं होती हैं, समझना बात को, दो प्रकार की ऋतु होती है, दो प्रकार की यहाँ पर ऋतु होती हैं, सीजन, सीजन जो है इसमें दो प्रकार के सीजन है। एक तो यहाँ पर देखो, प्याज जो है सबसे बेस्ट इसके लिए जो सीजन होता है वो रबी सीजन होता है, याद रखना, रबी सीजन जो है सबसे बेस्ट है। रबी जो है इसके लिए कौन सा है, रबी सीजन जो है सबसे बेस्ट होता है, उपयुक्त होता है। दूसरा होता है खरीफ, खरीफ सीजन। दूसरा क्या है, खरीफ सीजन, ये जो है नॉन फेवरेबल है। ठीक है, एनएफ मतलब नॉन फेवरेबल है, और ये फेवरेबल है तो इसमें इसकी सीड रेट जो है, अगर ये फेवरेबल है तो सीधी सी बात सीड रेट कम लगेगी, कितनी लगती है, तो 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट, ही बता देता हूँ। और यहाँ पर ये करीब अनफेवरेबल है तो भी सी बात है, यहाँ पर सीड रेट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। बीज दर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा कितनी, तो 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है खरीफ में, तो अनफेवरेबल कंडीशन है तो सीड रेट ज़्यादा, ये फेवरेबल कंडीशन है तो सीड रेट कम। ऐसा कैसा हमने किसके अंदर पढ़ा है इसका, ऐसा कैसा हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जहाँ पर फेवरेबल, हाँ ओकरा के अंदर, ओकरा के अंदर मैंने आपको बताया है कि फेवरेबल में 8 से 10 रखते हैं, और नॉन फेवरेबल जो होती है समर वाली, उसके अंदर हम 18 से 22 रखते हैं, ये हमने वहाँ पे पढ़ा है ओकरा के अंदर। तो ये खरीफ सीजन में कितनी सीड रेट रखनी है, रबी में कितनी सीजन से रखनी है। अब जैसे मान लो प्याज है ना, प्याज को हम स्टोरेज स्टोर करते हैं कहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। प्याज को हम कितने करते हैं, स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं, भंडारण, तो टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए इसमें मतलब मॉइस्चर निकालना पड़ेगा, तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मॉइस्चर को अगर रिमूव करना है, नमी हटाना है, नमी हटाना है, तो उसके लिए प्रोसेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरिंग। क्या, कौन सी प्रोसेस करते हैं, क्यूरिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, क्यूरिंग की प्रोसेस करते हैं जिससे उसमें नमी हट जाए और उसमें भंडार। अब यहाँ पे होता है जब इसको भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो स्टोरेज में क्या होता है, स्प्राउट आ जाते हैं, स्प्राउट मतलब क्या बोलते हैं उसमें, फुटान, फुटान आ जाती है। तो उस फुटान को रोकने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं, रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं, मेलिकहाइड्राजाइट MH का स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, कब, 15 से 20 दिन बाद, 15 से 20 के बाद, भंडारण के 15 से 20 दिन के बाद हम मेलिक हाइड्राजेट का वहाँ पर क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर स्प्राउट नहीं आते, उसमें फूटान नहीं आता, वो उसमें क्या होता है, अंकुरण नहीं आता, याद रखना। तो भंडारण करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, भंडारण के 15 से 20 दिन बाद हम क्या करते हैं, कौन सा हार्मोन, मेलिक हाइड्राजेट एंजाइम का छिड़काव कर देते हैं, पोटेटो में भी करते हैं, ताकि क्या हो, उसमें स्प्राउट नहीं आओ, क्या नहीं आए, छिड़काव नहीं आए। और जो मेलिक हाइड्राजेट है मार्केट में स्प्राउट स्टॉप के नाम से, स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है, स्प्राउट स्टॉप, स्प्राउट स्टॉप मतलब स्प्राउट को रोकना, ये इस नाम से आता है। मेलिक हाइड्रोजन का छिड़काव कर देते हैं स्टोरेज के टाइम पे। कितना पीपीएम लेते हैं वो भी लिख लो, कितना पीपीएम लेते हैं, कितना पीपीएम लगते हैं, तो लगभग 3000 पीपीएम, 3000 पीपीएम का इसमें छिड़काव किया जाता है। ठीक है, मॉइस्चर को हम इस तरीके से यहाँ पर हटा सकते हैं। चलो इतनी चीज़ें हो गई, अब यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, अब कुछ बचा है तो थोड़ा वो देख लेते हैं, अदरवाइज़ हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी वेराइटीज़ की, सारी चीज़ें हमने देख ली, अब थोड़ा सा वेराइटीज़ पर फोकस करते हैं, इसमें वेराइटीज़ कौन कौन सी हम यूज़ करेंगे। किस में वेराइटीज़,
ठीक है। अब वेराइटीज़ भी यहाँ पे हमें क्या देखनी है, प्याज की वेराइटीज़ हमें देखनी है। अब दो सीज़न है तो रबी और खरीफ, तो सबसे पहले खरीफ की देखो, खरीफ की, और यहाँ पे हम देखेंगे रबी की। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सीज़न कौन सा है, रबी जो है महत्वपूर्ण सीज़न है। तो रबी की अगर वेराइटीज़ आपको याद रखना है तो सबसे अच्छी चीज़ है, सबके पीछे रेट लगा होगा, क्या, पूसा रेट, पूसा रेट, दूसरा नासिक रेट, तीसरा पटना रेट, चौथा पूसा रतनार, ठीक है, सबके पीछे रेट लगा हुआ नासिक वाली। पूसा जो रेट है यहाँ पे, पूसा रेट जो वेराइटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूसा रेट, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर एक इनमें एक डिजीज है पर्पल ब्लोच, पर्पल ब्लोच के प्रति ये रेसिस्टेंस है, पर्पल ब्लोच के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी है, कौन सी, पूसा रेट, पर्पल, कौन सी, पूसा रेट जो है पर्पल ब्लोच के प्रति रेसिस्टेंस है। अब इसमें और महत्वपूर्ण वेराइटी है जो एग्जाम में पूछी हुई है वो मैं बता दूँ, उदयपुर, उदयपुर 101, 102 और 103, इसमें ये महत्वपूर्ण वेराइटी है। इसमें से मैं आपको बता दूँ ये 102 है, ये वाइट प्याज की वेराइटी है, वाइट कलर की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी हुई है, टीजीटी पीजीटी वाले में पूछी हुई है, और भी अलग अलग एग्जाम है, हर स्टेट में पूछी जाती है। अब यहाँ बात करें खरीफ की, तो यहाँ आपको लगेगा एग्री फाउंड डार्क रेड, मतलब जहाँ भी आपको रेड दिख जाए ना, समझ जाना ये किसकी वेराइटी है, प्याज की वेराइटी है, जिसमें भी रेड लगा मिले, देखो यहाँ रेड लगा है, ये रेड, ये रेड, ये रेड, सब में रेड लगा है, तो एग्री फाउंड डार्क रेड, ठीक है। फिर है पूसा कल्याण, सॉरी अर्का कल्याण, अर्का कल्याण, ठीक है, अर्का प्रगति, ये भी किसकी वैरायटी है, ये खरीफ सीजन की वैरायटी है, खरीफ सीजन में अच्छे से हो जाती है। और इसमें अपनी आती है नासिक 53, एन का मतलब क्या है, नासिक है, नासिक 53 भी जो है क्या है, खरीफ सीजन की बेहतरीन बेस्ट वैरायटी है, ठीक है। यहाँ पे चलो अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, रबी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वैरायटी है अर्का बिंदु, अर्का बिंदु, ये एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट है, एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट है। बाकी और भी वैरायटी आपको ऑप्शन नोट्स में मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपको सफ़ेद वाइट प्याज की वैरायटी देखना है तो वाइट प्राइस में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वाइट कलर में क्या लगा होगा, भीमा, ठीक है, भीमा लगा होगा, भीमा, ठीक है, भीमा लगा है तो वो वाइट वैरायटी है। जैसे उदयपुर 102 है, एक तो है उदयपुर 102 है, ये वाइट वैरायटी है, भीमा सुबरा है, भीमा सुबरा एक वाइट वैरायटी है, और भीमा श्वेता, भीमा सुब्रा है और भीमा श्वेता, ये वाइट वैरायटी है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट दोनों के एक साथ पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो कौन सी है, गार्लिक, इसी में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट वैरायटी है वो कौन सी है, गार्लिक, लहसुन, इंसेक्ट पेस्ट दोनों के एक साथ हम पढ़ने वाले हैं, दोनों बल्ब क्रॉप है। एडिबल पार्ट क्या था उसमें, बल्ब सीडेड हमने देख लिया, उसमें कुछ पॉइंट बचेगा लास्ट में, तो मैं एक बार पॉइंट सारे देख लूँगा और कुछ बचेगा तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं गार्लिक में, यहाँ पर बोटनिकल नेम क्या होता है इसका, तो इसका हो जाएगा एलियम सटाइवा, ठीक है, फैमिली वही है क्या, एलियसी, एलियसी इसकी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर की बात करो तो इसमें भी 2n = 16 होते हैं। ओरिजिन की बात करो तो वो भी क्या है, सेंट्रल एशिया है, सेम है, सेंट्रल एशिया, इसलिए बार बार देखने की जरूरत नहीं है। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस पुष्पकर्म भी क्या है, सेम है, अम्बेल, ठीक है, ये सारी चीज़ ऊपर भी सेम थी, ठीक है। यहाँ पर एडिबल पार्ट क्या है, यहाँ पर एडिबल पार्ट क्या है, ऊपर एडिबल पार्ट था बल्ब, यहाँ एडिबल पार्ट क्या है, क्लोव, क्या खाते हैं, क्लोव्स खाते हैं, ठीक है। सीड रेट की बात करो इसमें, सीड रेट जो इसकी 500 kg क्लोव पर हेक्टेयर यूज होता है। ऑनियन में एक चीज़ याद रखना, अगर ऑनियन में अगर बल्ब ले रहे हैं सोइंग के लिए, बल्ब का यूज़ कर रहे हैं सोइंग के लिए, तो 750 kg बल्ब लगेंगे पर हेक्टेयर, अगर बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो सीड की जगह 750 kg बल्ब पर हेक्टेयर लगेंगे। सीड रेट 500 kg क्लोव पर हेक्टेयर यहाँ पर इस्तेमाल हो गए किसके, इसके अंदर, ठीक है। और क्या क्या चीज़ यहाँ पर हमें देखना है, लहसुन के अंदर, लहसुन के अंदर जो है सबसे तेजी चीज़ इसमें, हाँ, पंजेंसी की बात करें, पंजेंसी यहाँ पे हमने नहीं देखी, पंजेंसी, पंजेंसी बता दूँ, ओनियन में, ओनियन में पंजेंसी किसके आती, किसकी वजह से आती है,
एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, मतलब एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से क्या आती है, प्रजनसी ओनियन के अंदर। और यहाँ पर जो है पंजेंसी, लहसुन में पंजेंसी या जो उसको हम क्या बोलते हैं तीखापन, ये किसकी वजह से आती है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाई सल्फाइड, ठीक है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाइलाइल डाइसल्फाइड की वजह से इसमें तीखापन या प्रजनसी आती है, किसके अंदर, गार्लिक के अंदर, लहसुन के अंदर, ठीक है, डाइलाइल डाइसल्फाइड की वजह से। अब इसमें हमने बताया था इसमें किसमें, गार्लिक के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें क्या होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वहाँ पर एंटी फंगल होती है, यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो कौन सी होती है, एलिसिन, एलिसिन, एलिसिन जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। ये एंटी कैंसर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है और जो नपुंसकता है उसको भी दूर करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, अगर मान लो हमें क्या करना है, क्लोव जो है, क्लोव इसमें स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग इंक्रीज करना है, तो टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 4 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस, 4 से 5 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर है तो क्लोव की जो स्प्राउटिंग है फुटाउन अच्छे से होती है 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, हमें क्या देखना है इसमें, ठीक है, सीड ड्रेस हमने देख ली है, अब बात करते हैं इसकी वेराइटी की, ठीक है, अब बात करते हैं वेराइटी, वेराइटीज, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या, एग्री फाउंड वाइट, एग्री फाउंड वाइट इसकी वेराइटीज है, फिर एग्री फाउंड पार्वती इसकी वेराइटीज है, तीसरा आ जाएगा यमुना सफ़ेद इसकी वेराइटी है, G282 इसकी वेराइटी है, ये सारी क्या है, किसकी वेराइटी है, गार्लिक की वेराइटीज है, ठीक है, बस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ली है। इसमें TSS सबसे ज़्यादा होता है, TSS लगभग 41% TSS पाया जाता है किसमें, एग्रीफॉन वर्ट में। और क्या देखना, इसमें भी क्यूरिन की प्रोसेस की जाती है, ठीक है, नमी, नमी हटाने के लिए, नमी हटाने के लिए इसमें भी क्या है, क्यूरिन की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसके इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट, तो देखो पहले इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट ओनियन और गार्लिक दोनों के, सबसे पहले आता है थ्रिप्स, थ्रिप्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा आता है माइट, माइट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा एक और इंसेक्ट इसके अंदर लगता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है फ्लाई, ओनियन फ्लाई, ओनियन फ्लाई, तो थ्रिप्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो किसके लिए, ओनियन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो इंसेक्ट हो गया। डिजीज की बात करें तो डिजीज में लगता है पर्पल ब्लोच, पर्पल ब्लोच अल्टरनेरिया पुराई की वजह से, किसकी वजह से, अल्टरनेरिया पोरी की वजह से लगता है, और टेम्परेचर जो है इसके लिए फेवरेबल वो कितना है, 28 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर पर ये सबसे अधिक होता है, ठीक है। दूसरा जो है पर्पल ब्लोच के अलावा इसमें और कौन सी डिजीज लगती है, तो पर्पल ब्लोच के अलावा इसमें डिजीज लगती है बॉटम रोट और ब्लैक मोल्ड, ठीक है, बॉटम रोट लगता है और तीसरा होता है ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड जो है एस्परजिलस नाइजर की वजह से लगता है, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है, एस्परजिलस नाइजर की वजह से ही लगता है, ठीक है, ये फंगस है इसकी वजह से लगता है। और बात करें डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कौन कौन से इसके अंदर लगते हैं, मतलब प्याज के अंदर डिसऑर्डर भी होता है, इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाती है और बल्ब स्प्राउटिंग होता है, बल्ब में स्प्राउटिंग होना लगता है, अभी हमने पढ़ा ना बल्ब स्प्राउटिंग, बल्ब स्प्राउटिंग, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मिल्क हाइड्रेट लगाते हैं, लेकिन बल्ब स्प्राउटिंग कैसे होती है, तो इसमें एक्सेस
नाइट्रोजन प्लस मॉइस्चर, एक्सेस नाइट्रोजन प्लस मॉइस्चर की वजह से बल्ब स्प्राउटिंग। दूसरा होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब फटना। ये क्यों होता है? डिले, डिले हार्वेस्टिंग। अगर देरी से हार्वेस्ट करेंगे, देरी से कटाई करेंगे तो स्प्लिटिंग भी हो जाती है। तो ये ओनियन और गार्लिक जो बल्ब क्रॉप है वो हमारी कंप्लीट होती है। अगर एक आध पॉइंट कोई छूटा है तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।